झारखंड। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धारा, जिसका हर कण पूजनीय है, सौहार्द प्रेम और अतुलनीय प्राकृतिक छटा का ऐसा अनुपम उदाहरण जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तभी तो यहां की जीवन शैली में उत्सव और उमंग साफ दिखता है। जैसे मानो हर दिन कोई पर्व हो, और हो भी क्यों ना, आज हमारे राज्य के हर कोने में पर्व सी खुशी छाई हुई है। शायद देश की आजादी के बाद इतनी खुशी पहली बार आई है। ऐसी खुशी जिसका ख्वाब देखते देखते कई आंखें पथरा चुकी थी। पर आज वो खुशी धर्म जात मजहब की सीमा लांघकर हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। नब्बे साल से ज्यादा की ये माँ गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही है। सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर खड़ी इस माँ के जीवन में आज का दिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी लेके आया है। और ये किसी सपने के सच होने जैसा है। एक ऐसा सपना जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने का भारत, एक ऐसे भारत का सपना जहां हर किसी के पास रहने के लिए उसका अपना एक घर हो। इस पुनित पावन सोच को साकार रूप देने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही झारखंड सरकार के अथक प्रयासों की ही ये देन है कि आज वो पावन घड़ी आ गई है जिसकी शुरुआत खुद माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी व माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने कांके प्रखंड से 1 फरवरी 2017 को आधारशिला रखकर किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की आधारशिला, एक ऐसी योजना जो सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के एक अदद अपने घर के सपने को पूरा कर रही है। जिस सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार का लक्ष्य बनाया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े पदाधिकारियों की ये दृढ़ संकल्प शक्ति की ही ये देन है कि खपरैल को ही अपनी जिंदगी का सरमाया मान चुकी जिंदगियों के जीवन में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। एक ऐसी सुबह जहां उनके पास रहने के लिए उनका एक घर है। आज से इस मकान का मालिक आप हो। गृह प्रवेश के माध्यम से जो आवास विहीन लोग हैं उनके बीच में आवास देने का काम कर रहे हैं।
ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य का दिन है और खुशी का भी विषय है कि जो हम चाहते हैं, जो सरकार चाहती है, जो यहाँ के लोग चाहते हैं कि जिनको आवास नहीं है, जो आवास विहीन है, वैसे लोगों को भी आवास मिले। और इस दिशा में हमारी जो पूर्ण बहुमत की सरकार, जो रघुवर दास जी की अध्यक्षता में जो चल रही है, और केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी उनकी अगुवाई में जो चल रही है, वो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह सारे लोग जो बेघर हैं उनको आवास देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इन चेहरों पर छाई मुस्कान इस बात की तस्दीक करती है कि इन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब बारिश की बूंदें नींद को बहा ले जाया करती थीं, हवा के झोंके घर की बुनियाद हिला दिया करते थे और धूप शरीर को झुलसा दिया करती थी। पर आज इनके चेहरों पर मुस्कान है क्योंकि अब बीती बात भुला इनके लिए वक्त अपने नए मकान में गृह प्रवेश का है। रात को पानी मरता था तो रात को मैं छूट के ऐसे बर्तन उर्तन छान छून कर रहते थे। रात भर अगर पानी गिरने लगा तो रात भर जागना पड़ जाता था। एक ठकन नाल है खपरा घर पनिया चोर दल लेके बच्चों कहते लेके सुतवा ले तो कल आएंगे मैया पनिया चोर कहाँ जीवेगी कहाँ सुतवेगी तबलीग के बाद अगर तो कहले रुक बेटा रुक दे थीने हमरा रुक बेटा दे थीने हमरा जाओ कहलिए कहले दे थीने के को दया कर थीने बेटी हमनी के कहियो छात में सुते भो से कल तो बुझ गेल थीन हमर जानी साहब मैया पापा लगथिन हमर। अब हमको पक्का मकान मिल गया। पहले कच्चा मकान था जिसमें बारिश में हमारे घर में चूता था, जैसे अल्बेस्टर वगैरह था तो झटास वटास में घर में पानी भर जाता था। तो अब पक्का मकान मिलने से अब हम लोग का सुविधा है। नहीं था हमारा घर मिल गया, यही में हम समझते हैं कि जय हो प्रभु। घर का बहुत दिक्कत था, आज जो हम लोग का घर इतना सुंदर मिला। हर बार में मुखिया जी आया करके कि घर को देखते रहा, हर पूरा सहयोग प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा और माननीय मुखिया जी हमारे पंचायत ग्राम पालमो के मुखिया जी के द्वारा हर बार आकर के देखना, राशि दिलाना, बढ़िया से काम कराना, बढ़िया से रंग पोचाड़ा, दरवाजा खिड़की लगवाना। आज हम लोग इतना सुंदर घर में रह रहे हैं आप लोग के समक्ष, जो कि आज हम लोग का खुशी से एकदम दिल भर गया। बहुत गरीब मोदी प्रधानमंत्री तरफ जब छत घर मिलना हमारा साथ बहुत खुशी ना। इतना कुछ मिला ये बहुत किस्मत वाला बात है। पहले तो हम लोग मिट्टी घर में रहते थे, कभी हम लोग कभी खपड़ा चूता था, पानी पड़ता था। तो अब तो छत का रूम हो गया, अब इससे हम लोग बचे रहते हैं। अलग फजलों करम से प्रधानमंत्री जो मोदी जी हम लोग को जो रूम दिलाया है उसका शुक्रिया अदा करें। सब लाभुकों को जिन जिन को घर मिला है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्र के इस पड़ाव पर ये खुश हैं क्योंकि इन्हें इस बात का आभास है कि इनकी भावी पीढ़ी पक्के मकान में अपना जीवन बसर करेगी। वो लोग अपन से बना सके कि नहीं सकेगा उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर उतना पूंजी रहेगा तब ना बनाएगा ढलाई मकान, नहीं सकेगा। इसलिए जब हम लोग रह रहे हैं जिंदा हैं तब और हम लोग रहेंगे, बाद बाकी तो हमारा लड़का वाला का और रहेगा। उन लोग हम लोग तो उठा के नहीं ले जाएंगे, इसलिए बहुत हमको अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व अपने मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के समावेशी विकास की पुनित सोच की ही देन कहेंगे कि पीढ़ियों से हाशिए पर रह रहे लोगों के विषय में सोचा गया, टूटे खपरैल में जैसे तैसे रह रहे परिवारों का दर्द किसी ने समझा और उसके दामन को थाम उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान की। सोच रहो कि कहियो नहीं भेटाई गई के मौके निकल किस्मत आ गलक भेटाई गलक मौके नवा मकान, एक बहुत खुशिया
सोचत भी नहीं रह कि दे कही के मके आसरा भी नहीं लग रहे कि सरकार मके घर दे कही के कल दे दिलक ठीक है। झारखंड सरकार का ये संकल्प ही है कि जो विकास के पायदान पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उन तक विकास की योजना पहुंचे और इसके तहत जो तमाम योजनाएं हैं सभी का लाभ उन ग्रामीण को मिले और उसका लाभ उठा के वो ऊपर उठे। हम लोग को सपोर्ट इतना दे दिया कि हम लोग अभी तो खुश है, इतना खुश है कि मत बोले, भगवान भी ये लोग को दुआ देगा कि सरकार जो कर रहे ना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ये लोग को प्रणाम प्रणाम जोहार। कब सपना भी नहीं देखे थे कि पक्का के घर में रहेंगे, लेकिन एक बैग सरकार दिए चाहे पंचायत समिति दिए तो पक्का के घर में अभी हम लोग हैं। मैंने सपना भी नहीं सोचे थे कि पक्का के घर में रहेंगे हम लोग। पंचायत समिति लाकर खुद अपने से बोले कि हाँ आया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी एक अच्छी सोच के कारण हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे पाए। नवंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आधार पर ग्राम सभा एवं जिला स्तरीय अपीलीय समिति के अनुमोदन से तैयार प्राथमिकता सूची के आधार पर किया गया। झारखंड में इस योजना का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2017 में किया गया। वर्ष 2016-17 के दो महीने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 2,62,388 आवासों की स्वीकृति देकर आवास निर्माण का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने सभी आवासों में कई उल्लेखनीय बिंदुओं के विषय में सोचा गया, जैसे सभी आवास में मनरेगा से अभिसरण कर शौचालय का निर्माण कराया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को संबल प्रदान करने की दिशा में बेहद कारगर कदम माना जा सकता है। मनरेगा से अभिसरण कर प्रत्येक आवास में 90 से 95 मानव दिवस के मजदूरी का भुगतान किया गया, जिससे पलायन का दंश झेल रहे परिवारों को राहत मिली। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अभिसरण कर प्रत्येक आवास में विद्युत कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी आवास में निशुल्क गैस कनेक्शन और चूल्हा दिया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अर्धकुशल राजमिस्त्री का उन्नत एवं कुशल व दक्ष राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसी बातें थीं जिससे आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को अपने जीवन स्तर में सुधार करने में काफी मदद मिली। अगले वर्ष 2022 तक लाखों की संख्या में आवास बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों को इस तरह के मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो जितना ज्यादा मटेरियल हम लोग अपने ही जिले में अपने ही अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर, मिल गया है नया घर, अभी पानी उनी से बचाव सुरक्षा तो सब चीज से यह हो जाएगा। पहले का टूटा फटा घर था, अभी बिल्डिंग घर बना लिए हैं, अच्छा है। अभी पहले हमारे चूल्हा में खाना बनाते रही लकड़ी से, लकड़ी भी यहाँ नहीं मिलेला, बहुत मुश्किल हो जाएला, बहुत धुंगा होला, तबियत भी खराब हो जाएला। तो ये खाना अब गैस मिल गया, तब गैस में खाना बनेला तो अब अच्छा बात होते, अब तनी बढ़िया होते, आराम होते तनी। पहले लकड़ी में बनाते थे, जंगल से पत्ता चुन के ला, सरकार हमको गैस दे दिया, अब इसी में खाना बना रहे हैं, इसका सुविधा है। पहले धुआं लगता था, खांसी हो जाता था, कलेजा में दर्द हो जाता था फूकते फूकते। आज पूरे प्रदेश के हर गांव से आ रही ये तस्वीरें सिर्फ गृह प्रवेश की ही नहीं है, ये उस समावेशी विकास को भी दर्शाती हैं, जहां शासन और प्रशासन ने मिलकर हर गरीब को एक पक्का घर देने का जो ख्वाब देखा था उसे जमीन पर उतार लिया गया है, जिससे हाशिए पर रह रहे लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उनके जीवन स्तर में सुधार भी आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों के सपने साकार हो रहे हैं आप यहां देख रहे हैं कि लोग
कच्चे मकान में रह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतना सुंदर घर यहाँ के लोगों को मिल रहा है और ये लोग अब आगे सुख और समृद्धि में रह पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को अब पक्का घर मिल गया है जिसमें सब जो उनको सुविधाओं की ज़रूरत है उस घर में ज़रूर प्राप्त होगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिसमें कि दूर दराज गाँव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे घरों को अब हम पक्का घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के मूल मंत्र सबका साथ सबके विकास के पुनित सोच को दर्शाती है, जहां गरीब और बेघर परिवार के विषय में पूरी आत्मीयता से सोचा गया, जिससे गरीब परिवार भी सम्मान पूर्वक समाज में रह सके। बहुत गरीब आदमी रहो और बहुत दिक्कत हो भी हो जाते रहे, आवल गेल रह के लिए भी दिक्कत हो जाते रहे, मोए भी रह के लिए मौके परिवार में रह के लिए दिक्कत हो जाते रहे। प्रधानमंत्री दिलाएं सिकर वास्ते एखन सुंदर से एखन आही है मन, एखन आवल गेल भी बढ़िया से रहत है, लेटरिन घर भी मिल लखा मन के, और बाहर पहले शौचालय करके जात रही, अब तो सुंदर से अब घर में मिल गया शौचालय और उकरे में अथी कर यूज कर रही है मन। पहले हमारे कोई नहीं पूछत रहे, गरीब पे हमारे के सब दियात रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री से घर मिलत तो सब गरीब के खाना खुशी मिलत है, खुशी होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मेरा घर जिस पहले जैसा था कि किसी मेहमान को आते थे तो सब साथे में सोते थे, शर्मिंदा महसूस करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आवास दिया है कि अब हम गर्व से अपना मेहमान को बुलाते हैं और दिखाते हैं। हम लोग सोच नहीं पाए थे कि कभी ऐसा मकान हम लोग का नसीब होगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से और प्रधानमंत्री आवास योजना से हम लोग का इतना फ़ायदा हो गया है कि पहले मेरा घर में कोई मेहमान आता था तो खटिया खोजना पड़ता था और कहाँ सुलाएंगे कहाँ रखेंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत था, लेकिन उनका कृपा हुआ प्रधानमंत्री का जो कि हम लोगों को इस तरह का मकान दिया और हम लोग बहुत आराम से अब रहते हैं और कोई भी आता है मेहमान तो बैठाने के लिए सुलाने के लिए बहुत खातिर भाव, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। हम लोगों ने गृह प्रवेश करवाया हम, और गृह प्रवेश में एक जगह तो मैंने ऐसा देखा, मैंने वो जिस दिन वो लड़का जो है शादी के दिन जो पहना था कुर्ता, वो कुर्ता पहन करके गृह प्रवेश में हाजिर था, तो उसको वो उनको पति पत्नी का जो खुशी दिखा देख रहे थे और वो खुशी का इजहार हम नहीं कर सकते और वो भावुक हो गया जब हम लोगों ने उसको पूछा कि ये कुर्ता तुम कहाँ पहना, हमारा ये कुर्ता हम शादी में पहने थे, जो शादी में जो खुशी हमको मिले थी वो खुशी हमको इसमें मिला, ये भाव था लोगों का। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने सभी मकानों के निर्माण के दौरान लाभुकों को किश्तों की राशि मुहैया कराने की दिशा में पूरी पारदर्शिता बरती गई, जिससे कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में चली जाए और दी गई राशि के अनुरूप ही कार्य पूरा कराया गया। लाभुक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, लाभुक ने जितना कार्य किया वहीं जियो टैगिंग होती है और जियो टैगिंग में अगर पाया जाता है, सर्वर भुवन सर्वर के साथ इसको टैली करके देखा जाता है कि लाभुक के द्वारा पहले के स्टेज से इस स्टेज में ज़्यादा काम किया गया है, तो वहाँ पे लाभुक को अगली किस्त जारी करने के लिए ऑटोमेटिकली सर्वर के द्वारा आदेश हो जाता है। पूरी तरह से पेपरलेस प्रक्रिया है, बैंकों के माध्यम से DBT के द्वारा लाभुक को राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि कहीं से भी कोई भी बिचौलिया या कोई भी अन्य किसी भी तरह के सब स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के चलते आवास इनकम्प्लीट ना रहे, लाभुक का कोई भयदोहन ना कर सके। आज पूरे राज्य में व्यापक पैमाने पर गरीब और बेघर लोगों का गृह प्रवेश कराया जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सबके साथ और सबके विकास के अपने मूल मंत्र पर अडिग है और एक नया झारखंड बनाने की दिशा में अग्रसर है। बहुत जगह तो कार्यक्रम इतना उत्साहजनक रहा कि लोगों का, बड़े बड़े लोगों का भी वो नसीब नहीं हुआ होगा गृह प्रवेश करने का जैसा उनको मिला।
जिसमें अंजलि पिंगुआ जैसे कर्मठ पंचायत स्वयं सेवकों का अतुलनीय योगदान है, जिन्होंने पंचायत स्वयं सेवक के रूप में कार्य करते हुए लाभुकों को आवास निर्माण कराने में सहयोग का कार्य किया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने भी सराहा और 2017 झारखंड सम्मान से